आज नए साल में मसाला किचन में बन रहा है आप सबकी ढेरों फरमाइश से शादियों वाला गाजर का हलवा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल हम सब के लिए खुशियां लाए और बिना टेंशन का हो। तो सबसे पहले हम मुंह मीठा करेंगे आज मसाला किचन की तरफ से। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। तो गाजर का हलवा तो हम अक्सर आए दिन बनाते ही रहते हैं और कई टाइप के हमने गाजर के हलवे बनाए हैं, बिना मावे बिना दूध कई टाइप के बनाए हैं। लेकिन बहुत सारी आपकी डिमांड थी कि शादियों में एक्चुअल कैसे बनाया जाता है, हलवाई कैसे बनाते हैं गाजर का हलवा, उसका स्वाद ही बड़ा अलग होता है। तो चलिए आज उसी गाजर हलवे को बनाने जा रहे हैं। यहाँ लिए मैंने लाल लाल रंग की 4 किलो गाजर, ये सारी मैंने घिस ली है। ये 2 पड़ी हैं, देखिए कितनी लाल हैं, इन्हें भी मैं घिस लेती हूँ। तो चलिए अब हम एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें डालते हैं 1 बड़ा सर्विंग स्पून घी और उसमें ये गाजर डाल देते हैं। मैंने काफ़ी ट्रिक्स इन हलवाइयों से पूछी हैं, उसके बाद मैं ये रेसिपी आपको दे रही हूँ कि क्या ट्रिक होती हैं, रेस्टोरेंट में गाजर का हलवा मिलता है उसमें क्या फ़र्क होता है और शादियों वाले हलवे में क्या फ़र्क होता है। तो ये लास्ट तक देखिए वीडियो को, आपको मैं सारी ट्रिक्स बताऊंगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए कढ़ाई में बहुत अच्छे से हमने सारी गाजर डाल दी हैं, इतनी बड़ी कढ़ाई भी इसको छोटी पड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे आप भूनते जाइए इसे, जिससे ये भूनता जाएगा और थोड़ा नीचे होता चला जाएगा, इसमें जो मॉइस्चर जो पानी होता है वो सूखता जाएगा। इस गाजर के हलवे की शाइनिंग बनी रहे इसके लिए पहले पहले घी डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो कौन कौन ये गाजर का हलवा आज न्यू ईयर पे बनाने वाला है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्लेम जो है ये बड़ी कढ़ाई है इसलिए मैंने फुल रखी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर फुल हो तो आप थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं। मेरा जो गैस है ये मीडियम टाइप चलता है तो इसलिए ये मैंने फुल कर रखी है। अब देखिए मैंने थोड़ी देर भून लिया है, करीब 5 से 7 मिनट। अब मैं 1/2 लीटर मलाई वाला दूध डाल रही हूँ। इस दूध को मैंने पहले से उबाल के रख लिया था तो खूब सारी इसमें मलाई भी आ गई है। तो मलाई समेत मैंने दूध डाल दिया है, अब इसे दूध के साथ हम भूनते जाएंगे। आप लोगों की ढेर सारी रिक्वेस्ट यही थी बहुत सारे कमेंट्स से कि शादियों वाला हलवा कौन सा होता है, तो मुझे आज लगा कि आज आपको वही रेसिपी देनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप सेट कर लिया है, गाजर में मुझे डालना है 4 कप चीनी। मैं 1-1 कप करके चीनी डालती जा रही हूँ। अभी 3 कप मैं डाल चुकी हूँ। अब क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ेगी तो इसका कलर भी बहुत सुंदर होता चला जाएगा, लेकिन अब टाइम लगेगा इसे बनाने में। अगर घर में फिर बड़ी फ्लेम हो तब आप इसमें गैस की बड़ी फ्लेम पर ही इसे रखिए, जिससे ये अच्छे से पकता जाए। मैं 1/4 कप चीनी भी अब डाल चुकी हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया से ये पक रहा है, इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया होता जा रहा है चीनी के साथ पक के, और ये काफ़ी कम भी हो गया है, मतलब जो कढ़ाई पूरी भरी हुई थी हम चला नहीं पा रहे थे, अब ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये जो गाजर हैं ये बिल्कुल मैशी नहीं हुई हैं, ये अभी भी खिली खिली हैं। यहाँ डाल रही हूँ मैं इलायची जिन्हें मैंने कूट लिया है। जो होटलों में हमें सर्व होता है गाजर का हलवा, जब कभी हम डेजर्ट के टाइम रात को मंगवाते हैं खाने के ऊपर, तो वो इस तरीके से लच्छेदार ही होता है। अब लेते हैं मावे को। यहाँ मैंने 1 किलो मावा लिया है। इस मावे को मैं थोड़ा सा ग्रेट कर लेती हूँ। ये बिल्कुल ताज़ा मावा है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जैसे 4 किलो के आसपास गाजर थी तो 4 किलो में मतलब 1 किलो खोया तो डलता ही है, और जो 1 किलो जो बनता है करीब करीब 4 किलो दूध से बनता है, 4 से 5 किलो दूध से।
तो बात एक ही है, या तो आप दूध बहुत सारा डालते हो या खोया, पर खोए से बहुत ही अलग स्वाद आता है। अभी मैंने आधा खोया डाला है और उसे मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा खोया मैंने बचा दिया है। धीरे धीरे अब खोए के साथ मिक्स करते जाइए और इसे भूनते जाइए। खोए के साथ भुनने में इसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। और हाँ, गाजर को घिसने में यदि मेहनत लगती है तो मैंने इसे बिना घिसे कुकर में भी गाजर का हलवा बनाया है, तो ये रेसिपी आप वैसे भी बना सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। वो आपको कैसा लगा बिना घिसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ा खोया देखिए मैंने रख दिया है, दो पार्ट मैंने डाल दिए हैं। इसको ग्रेट करके हम ऊपर डेकोरेशन करेंगे। अब यहाँ पर बारी आती है कि इसे और घी डालने की। अब दो तीन चम्मच घी और डाल दीजिए इसमें, जिससे इसमें शाइनिंग भी रहेगी और स्वाद भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। चीनी इतनी इसमें इसलिए डाली जाती है क्योंकि खोया भी इसमें काफ़ी मात्रा में होता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब लेते हैं हम ड्राई फ्रूट, क्योंकि शादियों वाला हलवा है और ये हलवा है बहुत ही बढ़िया, तो इसे हमने ड्राई फ्रूट भी अच्छी क्वांटिटी में डालना है। मैंने एक खाली पैन ले लिया है जिसमें खरबूजे के बीजों को मैं थोड़ा सेक रही हूँ। ये भुने हुए सिके हुए ड्राई फ्रूट स्वाद को और बढ़ा देते हैं। ये हलवा हम रोज़ रोज़ तो नहीं बनाते, लेकिन कभी कभी मन हो जाता है ना इस तरीके से हलवा बनाने का। अब देखिए मैंने थोड़ा इसी पैन में घी डाल दिया और बाकी का ड्राई फ्रूट लिया है जिसे मैं रोस्ट करके डालूंगी, काजू और बादाम। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने सारे ड्राई फ्रूट को कूट लिया और इस हलवे के अंदर डाल दिया है। अभी भी ये हलवा गैस पर ही है, स्लो गैस पर है, पकता जा रहा है और निखरता जा रहा है। तो इस न्यू ईयर के बाद अगर आप भी कोई घर में पार्टी वगैरह रखना चाह रहे हैं तो इस तरीके का गाजर का हलवा ज़रूर बनाइए और लोगों की बहुत सारी तारीफें पाइए। अब देखिए हमने हलवे को गैस से हटा दिया है। अब इस गाजर के हलवे को हम एक ट्रे में सजा लेते हैं। यहाँ आप नोटिस कीजिएगा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तभी इस गाजर के हलवे का बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। इसमें घी डालते हैं ऊपर से बहुत अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि शादियों में बनाते हैं तो इनको खुला घी डालने का बड़ा मन होता है, लेकिन हमने तो फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। अब ये जो बचा हुआ खोया था इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। मैं आधी जगह आपको सेट करके दिखा रही हूँ और आधा मैं सादा रख रही हूँ रेड कलर का। ये शादियों वाला हलवाइयों वाला हलवा मुझे तो बहुत पसंद है। आपको भी इसी तरीके का हलवा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ देखिए ये सज गया ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। लेकिन रुकिए, अभी आपने शादियों वाला हलवा नहीं देखा है, चलिए उसे देखते हैं कैसे घोटते हैं उस हलवे को। थोड़ा हलवा मैंने कढ़ाई में बचा लिया, मैं आपको दिखाती हूँ ये लोग क्या करते हैं। इस तरीके से आगे बड़े थाल में सजा हुआ होता है, थोड़े थोड़े हलवे को आगे निकाल कर थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं और इस तरीके से घोटते हैं। घोटने के बाद जो उसमें स्वाद आता है ना, बहुत ही अमेजिंग सा होता है। ये गर्म भी होता है बहुत, मुंह जलता है खाते हुए, और टेस्टी भी बहुत लगता है। हमारे यहाँ भी जो मेला लगता है ना, यही हलवा बनता है, इसी हलवे को लोग खाने जाते हैं। ये देखिए मैंने सर्व किया है दोने में, यही हलवा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब मैं दिखाती हूँ कि उसे जो थाल में हमने सजाया है, रेस्टोरेंट में हमें इसी तरीके से लच्छेदार हलवा मिलता है। ये देखिए, अगर हम घोटेंगे नहीं तो इस तरीके का हलवा हम सर्व कर पाएंगे। तो ये आपकी चॉइस है, आपको कैसा चाहिए, आपको घोटना है या बिना घोटे हलवे को खाना है। तो जैसी आपकी चॉइस है आप उसी तरीके से बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली और बहुत सारे रिलेटिव्स को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए।